तीन घंटे से हमारे बाल पास बाप रे बाप सारा निकाल लिया जल्दी रे बाल को सा रे बाप जा फट रहा है सा काम करते थे जैसा करते थे सत्यनारायण राजभर रो रो कर अपनी बहन और भांजे को बचाने की गुहार लगाते हैं। सत्यनारायण राजभर जिसकी बहन भिवंडी शहर के ग्रामीण इलाके वालपाड़ा में पारसनाथ कंपाउंड में टेक्स राइस तकिया बनाने वाली कंपनी में तकिया बनाने का काम किया करती थी। रोजमर्रा की तरह ही वह आज भी अपने छोटे बेटे को साथ में लेकर कंपनी में काम पर आई हुई थी कि अचानक देर शाम तकरीबन 6 बजे कंपनी के अंदर आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि कंपनी में काम करने वाले बाकी मजदूर तो भाग कर निकल गए, लेकिन महिला और उसके 3 साल का बेटा आग की लपटों के अंदर ही फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही जैसे ही कंपनी के काम करने वाले मजदूरों के रिश्तेदारों को लगी, सब कंपनी की तरफ भागे अपने परिजनों को देखने के लिए। उसी में से एक महिला के भाई ने कहा कि उसकी बहन और उसका 3 साल का बेटा अभी भी कंपनी के अंदर ही है और वो नहीं मिल रहे हैं। रो रो कर महिला के भाई का बुरा हाल हो गया और अपनी बहन को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर भिवंडी शहर की 2 दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू का पाने की कोशिश कर रहे हैं और महिला और उसके बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यनारायण राजभर नाम है और सर हमारी बहनी इसमें काम करती थी और जब आग लगा तो वो एक बच्चा भी छोटा था इसमें 3 साल का, उसको मतलब बचाने में वो दोनों जाने फंस गए और दोनों इसी में अभी 3 घंटे से फंसे हुए हैं सर, अभी पता कुछ नहीं चला। पहले तुम्हारी बहन बाहर आई थी? जी पहले बाहर आई थी, लेकिन फिर जो बच्चे को निकालने के लिए वो फंस गई उसी में जाकर के सर। वापस अंदर गए बच्चे को निकालने के लिए? जी। उसके बाद निकले नहीं? निकली नहीं सर, 2-3 घंटा हो गया। जी काम चालू है अभी ढूंढने के लिए, 3 घंटा हो गया लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा है सर। किस चीज़ की कंपनी थी? जी इसमें कापूस का कंपनी, वो तकिया वगैरह बनता था। प्रेशर दे बोल, प्रेशर दे। प्रेशर दे, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।